Ashanu ma'am, please start. गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस एलडीपी प्रोग्राम में। मेरा नाम शानु जवर, क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। 12-13 साल शादी को हो चुके हैं। एक छोटे से गांव में रहती थी। बच्चों के एजुकेशन को लेके मैं कैलकाटा शिफ्ट हुई थी और उसी वक्त मेरे पास ये मोदी केयर जैसे एक अपॉर्चुनिटी आई थी। क्योंकि कहते ना कि हमेशा से कुछ करने का सपना था, अपने नाम और पहचान पाने का सपना था। बस उसी जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया फ्रेंड। और इस बिजनेस को शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आता था क्या करना है नहीं करना। बट कहते ना कि जब आपका विद्यार्थी तैयार हो तो शिक्षक भी हाजिर हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मेरे सारे मेंटर्स अप्लाइंस मुझे सिखाने के लिए तैयार थे और कंपनी की ट्रेनिंग मीटिंग सिस्टम मेरे को ये सब कुछ तैयार करवा रहे थे। बस इस सिस्टम ट्रेनिंग के साथ पता नहीं कब मैं जुड़ गई और यूज करते करते लोगों के साथ शेयर करने लग गई और सीखते सीखते सिखाना स्टार्ट कर दिया। और ये करते करते कब अपने लेवल को अचीव करने लग गई और दिन दिन प्रतिदिन मेरे चेक्स भी इंक्रीज होते गए। और आज यहाँ से कम 4 फॉरेन ट्रिप कर चुकी हूँ, अपने सपनों की कार ले चुकी हूँ, अपनी बेटी के लिए एक स्कूटी ले चुकी हूँ। और बता नहीं सिंपल सी हाउसवाइफ के पास कब ये क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल कब आया पता ही नहीं चला। और ये बहुत अच्छा लग रहा है। और आज यहाँ से मेरी 1.5 लाख प्लस की इनकम है। और सारे मेंटर्स और ग्रो के आशीर्वाद से दिसंबर तक मेरा जो चेक है वो 2 लाख प्लस हो जाएगा। तो फ्रेंड ये थी मेरी स्टोरी। और मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे अचीवर्स आ रहे हैं और ऑलरेडी मेरे टीम में 5 कार्पेंट ओपन हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे अचीवर्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड ये तो थी मेरी स्टोरी। बट आज जिस जिस डायनेमिक लीडर से हम मिलना चाह रहे हैं, कहते हैं कि एक कपल है ऐसा जो कि बहुत मोदी केयर की हिस्ट्री में बहुत ही ऐसी धमाल मचा चुका है और ऐसे इतने फास्ट ग्रोइंग हो रहा है जिनके पॉपुलर डिमांड है, जिनको वापस से लोग सुनना चाहती है, उनके सिस्टम को फॉलो करना चाहती है। उनके उनके क्या माइंडसेट था, क्या उनका ऐसा विजन था, उन्होंने ऐसा क्या विजन देखा, क्या माइंडसेट किया था और कैसे फोकस करके वो इतनी जल्दी सक्सेस हो रहे हैं। तो फ्रेंड अगर हम देखा जाए तो हमारे हमारे साथ जो कपल है मिसेस नंदनी जी जो कि MBA है बाई प्रोफेशन और गुरुमल जी जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो ये वो इतने स्वीट कपल है और वो किस तरीके से किस माइंडसेट के साथ और क्या उन्होंने ऐसा फोकस किया कि वो इतनी जल्दी उन्होंने कंपनी की हमारे मोदी केयर कंपनी की हाईएस्ट टाइटल के सरताज बैठ गए हैं बन गए हैं और साथ ही साथ आज यहाँ से 4.7 लाख की इनकम कर रहे हैं। तो फ्रेंड ज्यादा देर ना करते हुए मैं उनको सुनना चाहूंगी और चाहूंगी कि हम सब मोदी कैरियर्स उनका ज्यादा से ज्यादा आज मैडम ने हमारे सबकी डिमांड को सामने रखा है तो हम ज्यादा से ज्यादा हम सब उनको सुने और उस माइंडसेट और उस फोकस के साथ काम करके हम भी उनकी तरह सक्सेस हो और अपने साथ आ रहे लोगों को भी सक्सेस करें। तो एक बार जोरदार तालियों से मैं उनको बुलाना चाहूंगी, गुरुमिल जी को और निधि जी को। तो नमस्कार गुरुमिल जी और निधि जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी दोस्तों, गुड मोदीगिर मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसे मैम ने बताया मेरा नाम गुरमेल सिंह संधू है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और प्रेजेंटली हम यहाँ पे चंडीगढ़ रह रहे हैं। और आज थैंक यू वंस अगेन सुरेखा मैडम, हमें फिर से टाइम दिया गया और आज आपसे बड़ी बातें करनी है और बड़ी दिल की बातें हैं जो करनी है। जो सफ़र 5 साल में हमने GBT तक का किया और आई होप अगर आप आए हो अपना टाइम निकाल के तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ आपसे मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया इस बिजनेस में और नाउ शी इज GBD। और ये एक ड्रीम लेवल था हमारा, तो मैं चाहता था कि हमारे नाम के साथ भी GBD लगे। और ओवर टू यू निधि। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम निधि संधू है और ये जो कहानी है हमारी सक्सेस की कहानी है, हमारे ड्रीम्स की कहानी है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सपने तो बहुत बड़े बड़े थे लेकिन विश्वास नहीं होता था कि पूरे हो जाएंगे। नई नई शादी हुई, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं
जब हमारी नई नई शादी हुई तो सपने बहुत बड़े थे कि बहुत मतलब ऐश करेंगे और बहुत मजा आएगा और घूमने जाएंगे, लेकिन जो सच्चाई थी वो कुछ और थी। जैसे ही चैलेंजेस आने शुरू हुए शादी के बाद, किराए के घर में रहते थे, किराया नहीं दे पाते थे, दूध लाने के लिए कई बार पैसे कम पड़ जाते थे। क्या बताएं आपको कि कैसी गाड़ी हमारे पास थी जो कि हर 2 किलोमीटर बाद रुक जाती थी, खराब हो जाती थी। लगा लीजिए कि गाड़ी के नाम पे वो धब्बा ही थी। विश्वास नहीं होता था, जब मोदी का ज्वाइन भी किया तब भी विश्वास नहीं होता था कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी, कि जिंदगी ऐसी हो जाएगी। हमारा ड्रीम होता था चंडीगढ़ आके सेटल होना, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी अफोर्ड कर पाएंगे यहाँ आके सेटल होना। आज हम यहाँ आ गए हैं, हम बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ हमारी पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है, हमारा बच्चा बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि ये जो जर्नी है, ये ट्रस्ट की जर्नी है, आपको विश्वास करना पड़ेगा मोदी के अंदर। आपकी मेहनत रंग लाएगी जिस दिन आप पूरा विश्वास कर लोगे कि ये बिजनेस आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। हमने विश्वास किया था, हमारी लाइफ चेंज हो गई। और बात करूं कि क्या क्या हमने इस बिजनेस से पाया है, फॉरेन ट्रिप्स की बात करें, एक लग्जरी कार की बात करें, या एक बहुत अच्छे बढ़िया लग्जरी फ्लैट में हम आज रह रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ हम लीड कर रहे हैं। इनाफ थैंकफुल नहीं हो सकती मैं अपनी आप लाइफ का, स्पेशली विवेक भैया जिन्होंने हमें ज्वाइन कराया, मुनीश भैया जिनकी गाइडेंस के कारण आज हम यहाँ हैं। मुनीश भैया का रोल ये रहा कि एक अच्छी अपलाइन का रोल ये रहा कि विश्वास दिलाते रहे हमेशा कि नहीं, जिंदगी बदल जाएगी। जब विश्वास टूटा भी तो उन्होंने उसे दोबारा जोड़ा, फिर से गाइड किया, सही रास्ता दिखाया, और हमने वो रास्ता चुना और उस रास्ते पे चले। आज थैंकफुल है हम अपनी अपलाइंस के, स्पेशली सुरेखा मैम के, जिन्होंने हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाया है। हम सब उनका इनफ थैंक यू कर ही नहीं सकते कि वो हमें इतने अच्छे से गाइड कर रही हैं, इतने बढ़िया हमारे लिए ये सेमिनार्स वो अरेंज करती हैं, इतनी बढ़िया LTP अरेंज करती हैं, ऑनलाइन जूम मीटिंग्स वो इतना पेन लेते हैं हमारे लिए। सोच के देखिए कि जितने पैसे उन्हें आ रहे हैं उन्हें कोई जरूरत नहीं है ये करने की, तो ये वो सिर्फ हमारे लिए करती हैं, हमारी मोटिवेशन बनाने के लिए करते हैं ताकि हम कुछ सीख पाएं और जिस सीढ़ी पे हम चढ़ रहे हैं उस पे और ऊंचाइयों तक पहुंच जा पाएं। और हमारी इनकम आज पौने 5 लाख है, इसको 10 लाख तक लेके जाना चाहते हैं हम। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं मोदी केयर पे, इसी में ये पॉसिबल है दोस्तों, किसी और बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज जी जान लगा के ये बिजनेस करिए, इसमें अपना 100% दीजिए, आपकी लाइफ जो टर्न लेगी, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगी और आपका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि ये वो इंसान है जिसने हमारी सारी पीढ़ी सुधार दी। आपकी आने वाली जनरेशन का नाम अमीरों में लिखा जाएगा, गरीबों में नहीं। आपका नाम सफरर्स में नहीं होगा, विनर्स में होगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू गुरमेल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा नाम गुरमेल सिंह संधू है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और वो इंजीनियर लिखा ही रह गया पीछे। मैंने पढ़ाई लिखाई की थी, मेरे फादर साहब चाहते थे कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूँ, इंजीनियरिंग करूँ ताकि एक अच्छी जॉब कर सकूँ। आपको सबको पता ही है, सारे घर वाले यही कहते हैं। तो जो मेरा बैकग्राउंड है वो एक फार्मर फैमिली बैकग्राउंड है। मेरे फादर साहब खेती बाड़ी करते थे शुरू से, और वो चाहते थे कि हम अच्छा पढ़े लिखें, और हम पढ़े लिखे भी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने, तो मैं चंडीगढ़ ही था जब मेरी लास्ट ट्रेनिंग चल रही थी। तो मेरे को जब पहली जॉब ऑफर हुई तो मैंने 3-4 महीने वो जॉब की और मैं अपने गांव वापस चला गया। तो जब घर वालों ने ये पूछा कि घर वापस क्यों आ गए, तो मैंने बोला कि मैंने जॉब नहीं करनी। तो वो बड़े हैरान हुए, मेरी लड़ाई भी बहुत ज्यादा हुई 3-4 दिन तक। तो मेरे को खाना भी नहीं दिया गया, मैं खुद ही लेके खाता था कि अगर जॉब नहीं करनी थी तो फिर इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों की, क्यों हमारे पैसे लगवाए। जैसे आम एक लो मिडिल क्लास फैमिली में होता है। तो मैंने जॉब छोड़ी पता क्यों थी दोस्तों? मैं क्यों नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे 3-4 महीने में ये पता चल गया था कि जॉब कभी भी मेरे सपने पूरे नहीं कर पाएगी। हाँ, मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया चलेगी, 3 टाइम का खाना बहुत बढ़िया खाएंगे, जैसे एक ऑर्डिनरी सी लाइफ होती है ना, वो बहुत बढ़िया चलेगी। हाँ, अगर बात करूं मैं मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी कारों की, अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी कोठियों की, बंगलों की, और अगर मैं बात करूं अपनी फैमिली को फॉरेन ट्रिप्स पे लेके जाऊं, कभी सिंगापुर, पेरिस, या कभी दुबई, कभी कनाडा,
तो वो चीजें पॉसिबल नहीं थी। जॉब एक बहुत बढ़िया, मैं जॉब को पुट डाउन नहीं कर रहा, लेकिन जॉब एक ऐसी चीज होती है जो ना तो आपको अमीर बनने देती है कभी, और ना ही कभी आपको भूखा मरने देती है, वो बीच में फंसा के रखती है। तो मैंने डिसीजन लिया, मैं गांव वापस चला गया। तो मेरा एक दोस्त था, उसका फाइनेंस का काम था, तो मैंने उससे पूछा कि यार कैसे करता है तू ये फाइनेंस का काम। तो उसने मुझे थोड़ा सा बताया, क्योंकि मेरे माइंड में क्या था, सेकंड थॉट क्या था कि जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है। बिजनेस क्यों करना है? क्योंकि जब हम देखते थे बहुत बड़ी कार तो पता चलता था ये बंदा ना बिजनेसमैन है, जब हम देखते थे किसी का बहुत बड़ा घर था तो फिर पता चलता था कि ये बंदा बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस करता है। तो जब हम ऐसे ही लोगों को ट्रेवल करते देखते थे, फॉरेन वगैरह अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, तो पता चलता था कि ये कोई बिजनेसमैन है। तो माइंड में क्या डल गया कि अगर बहुत बड़ी सक्सेस लेनी है तो बिजनेस करना पड़ेगा। तो बिजनेस करने के लिए चल पड़े हम, मेरे दो दोस्त थे, हमने सलाह की चलो फाइनेंस का काम खोल देते हैं। हमने एक दुकान किराए पे ली, एक काउंटर वगैरह बनाया, वहां पे ऑफिस टाइप बनाया और अपना ऊपर बोर्ड लगा दिया जी फतेह फाइनेंस कंपनी, और हमने रन शुरू कर दियो। तो पैसे थे नहीं हमारे पास, तो पैसे हमने पीछे से लेने शुरू कर दिए, लोन करवा लिया बैंक से, रिश्तेदारों से पकड़ लिए, किसी को 2% देते थे हम उसका इंटरेस्ट, किसी को 2.5% देते थे, किसी को 3% देते थे। तो ऐसे ही हम वो लोगों के पैसे थे जो आगे हमने उन लोगों में बांट रखे थे जो हमें जानते नहीं थे, जो हमारे कस्टमर थे, लेकिन जिनसे हमने लिए थे वो हमारे रिश्तेदार थे, हमारे नॉन लोग थे। तो लोगों का पैसा हमने लिया, लोगों में बांट दिया, और लोगों को भी ऐसे लगना शुरू हो गया कि बहुत बढ़िया काम चलता है इनका, इनका जी फाइनेंसर है। अभी कोई बंदा हमें बोले अगर कि मेरा फाइनेंस का काम है, तो ऐसे ही दूसरों को लगता है कि पता नहीं कितना को अमीर बनता है, इसका तो फाइनेंस का काम है, ये तो लोगों को चीजें फाइनेंस करते हैं, पैसे फाइनेंस करके देते हैं। तो दोस्तों वो सारे जो होते हैं ना वो डायरियों पे ही बढ़ते रहते हैं, करोड़ों रुपए हो जाते हैं, जेब में नहीं आता कभी भी कुछ, और वो जो पैसे होते हैं वो लोगों के होते हैं, अपने नहीं होते। तो मोस्टली ऐसे ही बिजनेस चलते हैं, लिमिट्स होती हैं, EMIs होती हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं। आज बंदा बोल तो देता जी मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ जी, इतनी टर्नओवर कर रहा हूँ, इतना मेरा शोरूम है, तो कभी उससे पूछ के देखो कि लिमिट्स कितनी है। तो ये जो पंजाबी में पहले इसको कर्जा बोल देते थे, जिसको हम आज बड़े बड़े अच्छे वर्ड्स आ गए हैं, इतने इतने खूबसूरत वर्ड आ गए हैं कि बंदे को शर्म भी नहीं आती ये बोलते हुए कि कर्जा है ये। पहले तो बड़ी शर्म आती थी कि किसी को बोलना कि यार मेरे ऊपर इतना लोन है या मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मैंने इस बैंक के इतने पैसे देने। तो आजकल इतने इतने खूबसूरत वर्ड है जी, आज EMI है, देन फिर इंस्टॉलमेंट है, देखो कितना बढ़िया वर्ड है इंस्टॉलमेंट, बंदे को बड़ा प्राउड फील होता है ये बताते हुए कि मेरी तो 2-3 इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं, है ना। तो होता वो कर्जा ही है सारा। तो ऐसे ही बिजनेस शुरू होते हैं, कर्जे ले लेके शुरू होते हैं। तो हमारा वो बिजनेस ना चला 3-4 साल, बहुत बढ़िया चला, इतना बढ़िया चला कि हमने एक टाइम के ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों में बांट दिया हुआ था, और वो सारा का सारा पैसा किसी और लोगों का था। तो वो बढ़ता जाता था, हमने कभी देखना तो डायरी अपनी देखनी, तो हमने देखना यार इतना पैसा लेने वाला है लोगों से। तो 4-5 साल तो चला, वो बहुत बढ़िया चला, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं ना इनमें बड़े अप एंड डाउन होते हैं, कभी ये ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं, और कभी कभी गिरते हैं तो फिर बंदे को संभलने का मौका ही नहीं देते जिंदगी में। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। हमसे किसी ने बहुत ज्यादा पैसे लिए हुए थे, शायद मैं इतनी ज्यादा उस दुंगाई में नहीं जाऊंगा इस बात की। तो हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया ऐसा कि पैसे का लेन देन है आपको पता, सिक्योरिटी नहीं होती। तो हमारा जो वो चला चलाया बिजनेस का सारा जीरो हो गया, और जो पैसे हमने लोगों के देने थे वो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता था, इनकम आगे से हमारी जीरो हो गई। तो वो एक ऐसा फेज था लाइफ का कि मैं सोच रहा था कि यार अब करें तो करें क्या। तो जब हम 3 पार्टनर बैठ के डिस्कस करते थे ना यार अब क्या, अब आगे क्या क्या करें अब, तो आइडियाज बड़े आते थे, ये कर लें वो कर लें, ये कर लेंगे वो शोरूम खोल देंगे। लेकिन डिस्कशन खत्म पता है कहाँ होती थी, जब 50-60 लाख रुपया लगाने की बात आती थी ना कि अगर कोई शोरूम खोलेंगे तो फिर से 50-60 लाख रुपया लगाएंगे तो फिर ही खोलेंगे ना, तो हमें तो सबने पैसे भी दे दिए, अब तो दोबारा किसी ने देने भी नहीं है। तो हमारे तो बैंकों में भी लोन चल रहे हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट अब जा नहीं रही हमारी, तो हमें तो फिर दोबारा लोन भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या हो गए थे, हम डिफॉल्टर घोषित हो गए थे मार्केट में पूरे, और बैंक्स में डिफॉल्टर घोषित हो गए। तो वो डिस्कशन हमारी खत्म हो जाती है आगे कि यार क्या कैसे खोलें, अब पैसा नहीं है।
तो फिर ऐसे ही बैठ जाते, फिर अगले दिन आके ऑफिस बैठ जाते ऐसे मुंह लटका के। तो वो फेज चल रहा था लाइफ का, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी उस टाइम। तो कहते हैं ना कि भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं है। तो उस टाइम 2015 लास्ट में एक इंसान आया मेरे पास, और उस बंदे ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर की पेंट पहनी हुई थी, और हाथ में काले रंग का बैग था, डेमो किट थी। और आके मेरे से बात की, कहता जी गुरमेल जी मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करता हूँ, तो मैंने आपको बिजनेस समझाना है, तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो मैंने बोला जी बताओ क्या बिजनेस है। तो जब उसने निकाला ना अंदर से डेमोकेट से स्टेरिक्लीन निकाला, लाइजोल निकाला, फिर वो नील निकाला, तो तीन चार प्रोडक्ट जब उसने निकाल के टेबल पे रख दिए ना, तो मेरे को लगा पहली बात तो ये व्हाइट शर्ट पहन के है, ये कोई नेटवर्किंग वाला बंदा है, और दूसरी बात ये कि ये प्रोडक्ट वाली कंपनी है कोई, तो ये बंदा आज मुझे ठगने आया है, तो आज मैंने इसे ठग से बचना है बस। इस ये आज पूरा जोर भी लगा लेगा ना मेरे को समझाने में, तो फिर भी मैंने आज इससे बचना है। तो इनिशियली दोस्तों ऐसे ही सोचते हैं सारे, सारे ही ऐसे सोचते हैं कि अब हम जब लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरे को ठगने आ गया है या मेरे को फंसाने आ गया है। ये लोगों को फंसाने का बिजनेस तो बिल्कुल नहीं है, ये फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का बिजनेस है। तो मेरे को लगा था उसको देख के कि ये बंदा मेरे को फंसाने आया, लेकिन मेरे को इतना नहीं पता था कि गुरमेल सिंह पहले ही तू फंसा हुआ है, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, और ये बंदा तेरे को आज निकालने आया। और सही बात है, उस बंदे ने मेरे को उस दिन निकाला वहां से, और आज यो ये बंदा आपके सामने बैठा है ना, वहां फंसा था, आज मोदीगर ने निकाला, आज 4.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है ये जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है। तो निचली जो माइंड सेट है ना, उसको बदल के रखना है थोड़ा सा हमने, कि हम किसी को फंसाने नहीं जा रहे, ना ही हम किसी को सामान बेचने जा रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, हम उसकी पीढ़ियों का सुधार करने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज करके रखना है, इनिशियली आता है माइंड में। तो जब उसने डेमो वगैरह दिखाई ना, वो नील वगैरह उसने वाइट करके दिखाया ब्लू से, तो जब मैंने डेमो देखी प्रोडक्ट की, तो वो जो मैंने सोच के रखा था ना कि मैंने बच के रहना इससे, तो जब पूरी डेमो डुमो हो गई सब कुछ हो गया, तो मेरा ऑर्डर पता कितने का बना था जो मैंने पहली बार दिया उस बंदे को, वो बना था 10,000 रुपए का। एक घंटे पहले मैं ये सोच रहा था कि इस बंदे से बचना है मैंने, तो एक घंटे बाद जब मैंने डेमो देखी पूरा बिजनेस देखा, तो मेरा ऑर्डर बना था 10,000 रुपए का, मैं 10,000 की लिस्ट बना के उस बंदे के हाथ में दे चुका था कि ये वाले प्रोडक्ट्स मेरे को ला के दियो, मैं पहले यूज करूंगा फिर तुझे बताऊंगा आगे बिजनेस करना कि नहीं करना। क्योंकि मैं बिजनेस माइंडसेट का बंदा था, मुझे पता है कोई भी बिजनेस शुरू होता है वो लाखों में शुरू होता है, करोड़ों में शुरू होता है, तो ये बिजनेस तो हजारों में शुरू हो रहा है यार। तो फिर भी ना कई बार हम लोगों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी एक साबुन और एक पेस्ट दे जाओ, हम सोच के देखेंगे, हम इसको यूज करेंगे पहले फिर बताएंगे कैसा बिजनेस है। भाई साहब कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो 5-7 हज़ार 10,000 में शुरू होता है। तो मैं तो आपको कहता हूँ 10,000 से शुरू कराओ लोगों को, 20,000 से कराओ, 50,000 से भी लोग शुरू करते हैं, लाख रुपए से भी करते हैं, डिपेंड ये करता कि आप कितना बताते हो अगले बंदे को। तो ये 50,000 लाख एक एक्सेप्शनल केस है, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे को किसी लीडर ने बताई थी, कहता जो बंदा 500 रुपए का सामान ले सकता है ना, उसको कभी भी 5,000 का सामान नहीं देना। तो जो बंदा 5,000 का सामान ले सकता है उसको कभी भी 500 रुपए का सामान नहीं देना। तो जितनी बंदे की कैपेबिलिटी है उस हिसाब से शुरू करवाओ यार, क्या हो जाएगा। मैं कई लोग ना सोचते हैं कि अगर इसको FSC से बोला या 10,000 से बोला कहीं बंदा नेगेटिव ही ना हो जाए। अगर भाई साहब फ्री स्टार्ट करवाओगे ना, बंदा फोन नहीं उठाएगा आपका, चक्कर लगवाएगा आपके बार बार। और अगर FSC से स्टार्ट करवाओगे 10,000 से, बंदा खुद फोन करेगा कि भाई साहब बताओ करना क्या है, क्यों फ्री ज्वाइनिंग लगी है साला, कुछ करना नहीं, वो फोन ही नहीं उठाएगा। वो सोचेगा कि मेरे पीछे पड़ा था, मैंने आधार कार्ड दे दिया, पैसा कोई लगा नहीं, छोड़ पड़े मसा बचा हूं मैं। अगर 10-15 हज़ार रुपया लगा होगा ना बंदे का, तो वो बार बार आपको पूछेगा कि आप बताओ आगे क्या करना है। तो हमें कैसे लोग चाहिए जो फोन नहीं उठाएंगे या जो हमसे पूछेंगे? तो हमें दूसरे वाले लोग चाहिए जो हमसे बार बार पूछे कि बताओ कैसे करना है, बिजनेस तो तभी बढ़ेगा ना। तो देर कीजिए, 10-15 हज़ार से शुरू करवाइए लोगों को, कुछ नहीं कहते, कोई बंदा मरने नहीं वाला यहाँ पे। मेरे को एक बात बताओ, कभी आपने लाइफ में ये सुना कि किसी बंदे ने 10,000 का किराने का जो प्रोडक्ट थे वो ज्यादा खरीद लाया था एक बार, तो आज वो बहुत गरीब बंदा है? क्यों गरीब है? क्योंकि एक बार 10,000 का सामान ज्यादा खरीद लाया था। ऐसे सुना कभी आपने? कुछ नहीं होने वाला 10-15 हज़ार से। अगर प्रोडक्ट आएंगे घर में, एक एक दो दो यूज करेगा बंदा, देन आगे शेयर करेगा, मैजिक कॉर्नर बनेगा उसका। तो मैंने शुरू किया,
मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, मेरे को प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। मैं डेमो देख ही समझ गया था मेरे को प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। हमारे घर में कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे, वो भी ठीक हो गए सप्लीमेंट से। तो फिर भी मैंने 3-4 महीने ना लगा दिए बिजनेस को समझते समझते। मेरे को फोन आना, मेरे अपलाइन का विवेक जी ने मेरे को फोन करा करना, वो भी जीबीडी है आज। तो वो जो फोन की साइड में एक साइलेंट वाला बटन होता है ना, मैं उसको दबा देता होता था। मेरे को पता है इसी बंदे का फोन है और इसने एक ही बात बोलनी है। अच्छा, उस बंदे ने एक ही बात बोलनी होती थी कि संडे को मीटिंग है और संडे को मीटिंग में आ जाना। तो संडे को हम लोगों ने खेलनी होती थी क्रिकेट। क्यों? क्योंकि हम 6 दिन काम करते थे, 7वें दिन हमारा फ्री होता था संडे। तो क्रिकेट कभी हम छोड़ नहीं सकते थे, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो हमने मैच खेलना होता था तो मैं साइलेंट कर देता था साइड से, ये बंदा जरूर बोलेगा कि संडे को मीटिंग में आ जाना, मीटिंग में अपन ने जाना नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्रिकेट खेलनी है। तो ऐसे ही मेरे 3-4 मंथ निकल गए। एक बार कोई दिल्ली बहुत बड़ा फंक्शन था, इन्होंने बोला जी वहां ये हो जाना है, वहां वो हो जाना है। जैसे बोलते हैं ना सारे लीडर, नए लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया यार इनको, वो बोलते हैं जी आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा जी, एक बार चल के तो देखो जी, ये हो गया। मेरे को भी इन्होंने ऐसे बोला जी जिंदगी बदल जाएगी। मैं सोचता था कि जिंदगी में बदलने वाला है क्या, थोड़ी बढ़िया चल रही है जिंदगी। 8 बजे घर आ जाते हैं दुकान से, सावधान इंडिया देखते हैं, सो जाते हैं आराम से, फिर सुबह उठते हैं 10-11 बजे, फिर जाके बैठ जाते हैं अपने ऑफिस। और क्या जिंदगी बदलेगी, क्या जिंदगी में बदल जाएगा। तो इन्होंने बोला बड़ा, तो मैं बचने की तो मैंने देखो बहुत कोशिश की कि मैं बच ही जाऊं, मैं ना ही जाऊं, लेकिन इन्होंने मेरे को किडनैप कर लिया। मेरे को आगे मेरे घर उठा के लेके जाते ना, जैसे किसी बंदे को किडनैप करके मेरे को उठा के ले गए ये दिल्ली। तो जब मैं दिल्ली पहली बार आया फंक्शन देखने मोदी गर का, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद वो कौन सा स्टेडियम था, शायद त्यागराज स्टेडियम था, आई डोंट नो, लेकिन लोग बहुत थे वहां पे। मैं ये सोच के आया था, मैं कहा यार कोई 500-700 बंदा होगा, मोदी गर कौन करता है यार, ऐसे काम कौन करता है, ये पूरे हिंदुस्तान में कोई 500-700 बंदा होगा जो करता होगा इसको। जब दोस्तों हम एंटर किए, वहां कोई 12-15 हजार लोग थे, कोई स्टेज से बोल रहा है मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं 10 लाख कमा रहा हूँ। एक लड़की थी वहां पे, कहते हैं ये 22 साल की लड़की है, ये 2.5-3 लाख रुपए महीने का कमाती है। वही लड़की आज अक्षय दत्ता 14 लाख रुपए महीने का कमाती है। तो मैं पहले तो अपनी तरफ देखूं, फिर मैं उस लड़की की तरफ देखूं, तो फिर मैं अपनी तरफ देखूं, फिर मैं उस लड़की की तरफ देखूं। मेरे को लगे भी जहां तो ये झूठ बोल रहे हैं कि ये 2.5-3 लाख रुपए महीने का कमाती है 22 साल की लड़की। कोई वहां पे मर्सिडीज की बातें करे, कोई BMW की बातें करे। अच्छा, मेरे को समझ कुछ नहीं आई, मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि ये बिजनेस क्या है, कैसे करना है, प्लान क्या है, पैसा आना कहाँ से है। मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझ आई कि इतने लोग पागल नहीं हो सकते। अगर इतने लोग पागल हों भी तो एक जगह इकट्ठे नहीं किए जा सकते। अगर इतने लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे इकट्ठे हैं और अलग अलग प्रोफेशन के हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई CA है, कोई एडवोकेट है, कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, कोई ये ज्यादा है किसी की, कोई स्टूडेंट है, तो अगर एक ही प्लेटफॉर्म में इतने लोग एक साथ कोई काम कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स कुछ तो है इस बिजनेस में। अभी तेरे को समझ नहीं आ रही तो वो तेरा मामला है, लेकिन इस बिजनेस में कुछ तो है। तो मेरे को ना वो जोश आ गया, वही जोश लेके मैं वापस आया, मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं डिसाइड कर लिया, मैं डिसीजन ले लिया कि अब यही करना है बिजनेस। तो अपलाइन से जितना को पता था वो था कि डेमो करनी है, प्लान बताना है आगे और बंदों को जोड़ना है, इतना ही समझता है पहली बार बंदा। तो मैंने भी अपने जो 3-4 मेरे दोस्त थे, मैंने उनको बोला, मैं कहा देखो भाई करना कुरना कुछ नहीं है, ऐसे ही बोलता है नया बंदा, ऐसे ही बोलता है कि करना कुरना कुछ नहीं है, तूने कुछ नहीं करना, मैं हूं ना, मैं करना है सारा कुछ, तो तू प्रोडक्ट यूज करने है बस हमने। तो उन्होंने भी बोला कि चल ये दोस्त है बोल रहा है, किसी ने 2000 का सामान लिया, किसी ने 4 का लिया, तो लॉयल्टी वगैरह तो होती थी नहीं, लॉयल्टी तो बाद में आई। तो ऑफिस भी नहीं था पास में। अभी कई लोग बड़े हमें फोन करते हैं, कहते हैं सर जी मैं ना DP पे गया प्रोडक्ट लेने के लिए, तो बड़ा तगड़ा ना चैलेंज आ रहा है। पहले तो ऐसे बोलेंगे फोन करके, बड़ा तगड़ा ना एक सर चैलेंज आ रहा है, जैसे बहुत बड़ा कोई चैलेंज आने लगा हो। तो पूछे हाँ जी भाई सब क्या चैलेंज आ रहा है, सर DP पे गया ना, वहां की ना प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पे, मेरे को देखो 4 पेस्टें चाहिए थी, 2 ही मिली मेरे को टूथपेस्ट। तो भाई साहब हमारे टाइम में DP नहीं थे, मेरे को 200 किलोमीटर आना पड़ता था सामान लेने के लिए, लुधियाना गुरदासपुर से लुधियाना 200 किलोमीटर, और मेरे पास बाइक थी, मैं अपने फ्रेंड की कार लेके आता था, मांग के उससे कि भाई कार दियो
मैंने लोगों का सामान लेने जाना है। तो ये चैलेंज था बहुत तगड़ा, लेकिन हमें पता था जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ेगा, डीपीज भी आएंगे, एमएससीज भी आएंगे, लाइफस्टाइल सेंटर भी आएंगे, आज सब कुछ हो गया है। तो वो एक चैलेंज है, चैलेंज को ओवरकम करना होता है। चैलेंज जरूर आता है, हर प्रोफेशन में चैलेंज आता है, हर बिजनेस में चैलेंज है। तो लेकिन दोस्तों मैं चैलेंज पे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, सपने भी तो हमारे हैं ना, अगर वो चैलेंज है तो सपने भी तो हमारे हैं ना। फैमिली किसकी है? फैमिली मेरी है। बच्चे किसके हैं? बच्चे मेरे हैं। तो चैलेंजेस भी फिर मेरे हैं, फिर मैंने ही ओवरकम करना है। क्यों? क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबल एक ही बंदा है, वो मैं हूँ। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपनी फैमिली की, तो चैलेंजेस कुछ नहीं है, ये जस्ट टेम्परेरी चैलेंज है, जो आज है कल नहीं होंगे। अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आज नहीं है कहीं किसी शहर में, कोई डीपी नहीं है, तो हो सकता है कल महीने बाद एक डीपी ऐसा खुल जाए जिसमें अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी हो। ये याद रखना मेरी बात, ये जो टेम्परेरी जितने भी चैलेंजेस है ना इस बिजनेस के, ये हैं सारे टेम्परेरी चैलेंज, पर जो सक्सेस है ना वो है परमानेंट। तो मैंने शुरू किया, 3-4 लोगों को स्टार्ट करवाया, सामान ला के दिया उनको जैसे जैसे उन्होंने बोला था, तो मेरा पहला चेक आया 1477 रुपए का, 1477, 1477 रुपए का चेक आया मेरा पहला। तो अब NEFT करना पड़ता है। तो 5 साल पहले क्या था, 5.5 साल हो गए इस बात को, NEFT अगर आप नहीं करते हो तो आपका बाय पोस्ट चेक आ जाता था आपके घर एड्रेस पे बाय नेम। तो वो मेरा 1477 रुपए का चेक पोस्टमैन लेके आया, और उसने जब बोला जी गुरमेल सिंह कौन है, मैंने बोला मैं हूं जी, वो चेक दिया, तो फाइनेंस पे बैठे थे, तो मेरे यार दोस्त बैठे थे, 5-7 और लोग बैठे थे, तो वो जो चेक का मेरे दोस्तों के हाथ लगा होगा, तो अब सोचो मेरा क्या बना होगा। आप किसी बंदे को ये बोल रहे हो कि ये इतना बड़ा बिजनेस है, मैं दिल्ली देख के आया हूँ, यहाँ से मर्सिडीज आएगी, यहाँ से BMW आएगी, यहाँ से जैगुअर आएगी, आप लाख से कम बात तो कर ही नहीं रहे हो, कम आप 5-5 लाख की बात कर रहे हो, आप 10 लाख की बात कर रहे हो, आप 20 लाख की बात कर रहे हो, तो आपका चेक आपके दोस्तों के हाथ लग जाए 1477 रुपए, तो क्या फील करोगे आप? तो फील मैंने क्या करना था, उन्होंने मेरे को फील करा ही दिया, इतने मजाक किए, मेरा खून पी लिया उन्होंने बैठे बैठे। मेरे को कभी उन्होंने बोलना बिजनेसमैन, कभी मेरे को मेरा नाम मोदी डाल दिया उन्होंने, कहते मोदी साहब आए हैं, मोदी साहब आए हैं, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम मोदी कह रहे हैं। फिर कभी कुछ कहना, कभी टाटा कहना मेरे को, कभी अंबानी कहना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, तो मेरे को मजाक करते रहे। तो मेरे अंदर भी स्पोर्ट्समैन था, मैं पता है कि अगर नहीं करना कुछ तो नहीं करना, तो अगर कुछ ठान लिया तो फिर हम छोड़ते नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वैसे भी खून में पंजाबी ऐसे ही होते हैं, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन जब ठान लिया तो फिर इनके DNA में पीछे मुड़ना नहीं कभी भी होता। अगर नहीं फैसला किया तो छोड़ो, नहीं किया भी चलो छोड़ो, पर नहीं करते, लेकिन अगर कोई कदम ले लिया तो इनके DNA में कभी भी पीछे मुड़ना लिखा नहीं है भगवान ने। तो सेम वैसे ही था। तो मैंने जब इन्होंने मेरे को बड़े मजाक किए ना, मेरे को ये बोला अच्छा तेरा बिजनेस अब तो तू जैगवर लेगा, तेरी BMW आएगी, फिर लगाएंगे कहाँ, तो इतने मजाक किए, तो फिर मेरे अंदर से वो निकला अंदर स्पोर्ट्समैन। तो फिर मैंने सोचा कि भाई साहब, मैंने कहा कुछ नहीं उनको, मैंने ये बोला कि मेरे को नहीं पता था मैंने करना है कि नहीं करना ये, लेकिन अब मैं करके दिखाऊंगा और आप लोगों को जरूर करके दिखाऊंगा, तो बताऊंगा जरूर कि हूं कौन मैं। मैंने वो पी जाता है ना, जैसे बंदा सारा गम पी जाता है अपना सारा, तो वो सारा मैं पी गया। मैंने फिर मैंने मुलाकात की थी मिस्टर मनीष चोपड़ा जी से, तो मेरे को पता था कि हमारे ऊपर अपलाइन ये सुपर अपलाइन ये है, तो ये एक अच्छी इनकम पे थे, इतनी अच्छी नहीं थी तब, अब तो 10 लाख रुपया कमा रहे हैं मनीष सर, तब तकरीबन 1 लाख रुपया कमाते थे ये, तो 1 लाख रुपया हमें बड़ा लगता था उस टाइम पे, कोई बंदा 1 लाख रुपया कमा रहा है मोदी केयर से। तो मैंने फिर काउंसलिंग की, मैंने पूछा कि मेरे को बताओ 1 लाख रुपया कमाना कैसे है। तो मैंने अपलाइन से दोस्तों एक ही कमिटमेंट की थी कि 12 महीने काम करूंगा, जो कहोगे करूंगा, 12 महीने बाद का जो चेक चाहिए ना वो चाहिए 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए से 1,000 भी कम नहीं चाहिए, बताओ करना क्या, आपकी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है।
तो मैं शुरू से ऐसा बंदा था, अपलाइन बोलती है ना या वो आओ कैंसलिंग करते हैं आपकी, आपको बताते हैं कैसे करना है। मैं अपलाइन के पास गया था कि भाई सुन ले मेरी बात कान खुल के, तेरी जिम्मेवारी है, 1 लाख रुपए चाहिए मुझे 12 महीने के अंदर अंदर, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मान लो मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ पठानकोट, लेट्स सपोज, तो आपका फोन आ जाए बीच में कि गुरमेल जी अमृतसर वापस आ जाओ, मैं पूछूंगा नहीं कि मेरे को क्यों बुलाया, मैं वहीं से यू टर्न वापस ले लूंगा अमृतसर की तरफ। पर जिम्मेवारी आपकी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को 12 महीने बाद 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए। तो मैं ऐसा ही था शुरू से। मेरे को मनीष सर ने बताया वो लेगें बना के, 4 लेगें डालनी है जी, 4 लेगों में स्पॉन्सरिंग करनी है, जिस दिन 4 लेगों में 4 की 4 LPB होगी, दो दो तीन तीन सीनियर डायरेक्टर आ गए तो भाई साहब आपका 1 लाख का चेक क्रॉस कर जाएगा। चलिए जी हमने करना शुरू कर दिया। पहले महीने जो मेरा पहले महीने का चेक था वो 1470 रुपये का था, तो वो तो मैं गिनता ही नहीं उसको। तो जो दूसरा मंथ था ना वो, उसको मैं पहला मंथ गिनता हूँ क्योंकि वो फुल मंथ था जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैंने बाइक के ऊपर डेमो किट रखी, डेमो किट मेरे पास एक ऑरेंज कलर का बैग होता था जो मेरी गर्लफ्रेंड ने, मतलब यही गर्लफ्रेंड ने, मेरी वाइफ ने, सॉरी तब मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो इसने मेरे को दिया था गिफ्ट। तो मेरे को नहीं पता था कि इसने मेरे को जब गिफ्ट दिया ना, तो मैंने सोचा मैं निधि बैग का क्या करना है, मैंने मेरे को नहीं पता था इसी बैग ने मेरी जिंदगी बदलनी है। वो ऑरेंज कलर का बैग था जो पीछे डालते हैं, मैंने उसमें प्रोडक्ट भरे, डेमो किट भरी, मेरे को जैसे जैसे बताया लिस्ट बनाओ जी लोगों को डेमो और प्लान दिखाने हैं, मैं बाइक पे निकल गया, रोज चार चार पांच पांच दस दस डेमो प्लान करे मैंने। इतनी गर्मी थी, जून जुलाई का मंथ था, मेरी बाजू में पूरी काली हो गई, रंग पूरा मेरा काला हो गया, पर मैं हटा नहीं करता गया। तो मेरा जो दूसरा महीना था ना उस मंथ, फिर मैं गया, मेरा चेक आया 22,000 रुपये का, मेरा टाइटल था ईडी। तीसरा मंथ जो था मेरा, फिर मैंने अपना वो ईडी क्वालिफाई किया, फिर मेरा चेक आया 22,000 रुपये का। तो जब मेरा 22,000 का चेक आया था ना, पहला 22 का आया था, तो मेरे अप्लाई ने मेरे को ये बोला था कि भाई साहब चेक आएगा 40,000 रुपये का, 40 के आसपास तो बनेगा ही बनेगा आपका। तो जब मैंने देखा 22 का आया है, तो मेरे ना दिल पे बड़ी ठेस लगी, मेरे को बड़ी चोट पहुंची कि यार बंदे ने बोला था 40 का आएगा और आया 22 का है। तो कई बार ना अपलाइन को भी कैलकुलेशन पता नहीं होती एग्जैक्टली, क्योंकि वो कंप्यूटर थोड़ी है, वो भी तो इंसान है। तो मेरे को ना बड़ी ठेस पहुंची। तो वो 3 दिन थे जब मैंने मोदीगिर का काम नहीं किया, मैं नेगेटिव हो गया मोदीगिर से, मुझे लगा कि यार ये झूठे लोग हैं, ये आज मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं तो आगे जाके भी ऐसे करेंगे। तो बोला 40 था, आया 22,000 का है, आधा आधा फर्क है, तो मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा। तो मैं ना 3 दिन घर बैठा रहा, मैंने कोई मोदीगिर का काम नहीं किया। तो मेरा एक दोस्त था, वो मोदीगिर में मेरा दोस्त बना था, तो उसका मेरे को फोन आ गया, कहता सर आपने ना मेरे को बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट करवाया है, तो मेरे भी बहुत सारे ड्रीम है, तो थैंक यू आपका, आपने मेरे को ये शुरू कराया, अब देखना हम कैसे अपने सपने पूरे करते हैं। भाई साहब जब उसने ये लाइन बोली ना मेरे को, मैंने फोन तो काट दिया लेकिन मेरे से ना रहा नहीं गया। तो मेरे को ये लगा कि गुरमेल सिंह तू किसी का सपना जगा के खुद कैसे बैठ सकता है। तो मैं ओपनली इस बिजनेस में कहता हूँ कि भाई साहब अगर ज्वाइनिंग नहीं लगाई ना आपने तो कोई बात नहीं, मीटिंगें देखो मजे लो, करना है करना, नहीं करना तो छोड़ देना। अगर मान लो ज्वाइनिंग भी लगाई है, प्रोडक्ट भी ले लिए, प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, करना होगा तो कर लेना, यूज करने होंगे तो आगे कर लेने, नहीं करने होंगे तो छोड़ देना। पर अगर किसी बंदे की आंख में आंख डाल के ये बोला है ना, एक भी बंदे को अगर ज्वाइन करवाया ना मोदी केयर में कि वे भाई या बहन मैं तेरे साथ हूँ, तेरे जो भी सपने हैं हम मिलके पूरे करेंगे, तो मैं कहता हूँ, सीधा कहता हूँ मैं, खबरदार अगर कभी मोदी केयर छोड़ के भागे तो। क्यों? क्योंकि कत्ल वो नहीं होता जो किसी को मार देते और वो हो जाता है, मर्डर हो जाता है, ये भी बड़ा तगड़ा जुर्म है। किसी का सपना पहले जगाना, उसको पहले सपने को दिखाना और फिर अपने हाथ से ही उसके सपने को मार के चले जाना। तो मेरे भी ना वो फीलिंग आई कि यार ऐसे नहीं कर सकता, जहां तो फिर शुरू नहीं करना था, अब जब शुरू कर लिया तो फिर कर। फिर मैंने उस बंदे को उसी टाइम फोन किया, मैं कहा सर कहाँ हो, कहता घर हो, मैं कहा रेडी हो जाऊं मैं आ रहा हूँ अपना बाइक लेके, हमने ना डेमो प्लान दिखाने जाना है। तो वो मैंने बाइक पकड़ा, उस दिन के बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मेरा पहला चेक 1477, दूसरा 22, तीसरा 22 और चौथा चेक जो था ना वो था 60,000 रुपये।
तो जब मैं 60-70 पहुंचा तो मेरा कॉन्फिडेंस था सातवें आसमान के ऊपर। अब ये सोच के देखो, किसी बंदे का बिजनेस जीरो, मतलब वो बंदा लोन में जा रहा हो, बिजनेस डूब गया होगा, उसका बाइक रह गई एक पास में, जेब में कोई पैसा नहीं होता था, तो 3-4 महीने काम करके किसी को अगर 60-70 हज़ार रुपए महीना आना शुरू हो जाए तो वो तो सातवें आसमान पे पहुंच जाएगा। तो मेरा जोश और बढ़ गया, एक्साइटमेंट बढ़ गई। ऐसे ही मैंने लोगों को फोन करना, जी भाई साहब कहाँ हो। आज लोग कहते हैं ना लोग नहीं मिलते, ऐसे ही ढूंढे मैंने सारे रोड्स पे। लोग पता क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक गलती करते हैं लोग। लोग करते हैं पहले उठाएंगे फोन, हाँ जी कहाँ हो जी, मैं तो बाहर हूँ जी, चलो ठीक है कल मिलते हैं। फिर दूसरे को किया, उसने उठाया नहीं, तीसरे को किया, वो भी बाहर है, तो तीन फोन किए, तीनों के तीन अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई। तो लोग क्या करते हैं, लोग पूरा दिन ऐसे ही निक्कर में अपने लोअर में निकाल देते हैं पूरा। पता है क्यों? क्योंकि कोई अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई। लेकिन अपना फंडा ये नहीं था, अपना फंडा थोड़ा अलग था, अपने ड्रीम थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे। अपना फंडा ये था कि हम पहले नहाते थे, फिर कपड़े प्रेस करते थे, खुद ही करने पड़ते थे, फिर तैयार होते थे। तो मेरे को तो तैयार होने पे बड़ा टाइम लगता है, मेरी वाइफ लड़ती आज भी मेरे से कि आपको तो तैयार होने पे टाइम ही बड़ा लगता है, 1 घंटा लगा देते हो। तो मैं 1 घंटा लगाता था पहले तैयार होने पे, फिर मैं अपना डेमो किट उठाता था, बाइक पे रखता था, बाइक की किक मारता था, घर से बाहर जाके मैं फोन को टच करता था कि हाँ भाई साहब अब बताओ कहाँ हो। अब एक ने बोला जी मैं हूं नहीं यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हमने 1 घंटा लगाया तैयार होते हुए। फिर दूसरे को फोन किया, उसने उठाया ही नहीं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमारा 1 घंटा लगा तैयार होते, हम वापस नहीं जा सकते अब। फिर उसके बाद तीसरे को फोन लगाया, उसने बोला जी मैं हूं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा बोला मैं चाय की दुकान पे बैठा हूं। मैं भाई वहीं रुक, तू जहां तू बैठा है ना तो वहीं रुक जा, मैं वहीं पहुंच रहा हूं तेरे पास। तो बस इसमें बेसिक्स आपकी अपलाइन समझा देंगी कि कैसे अपॉइंटमेंट सेट करनी है, कैसे प्लान दिखानी है। एक बात मैं बोलूंगा, सिर्फ कसम खा लो फोन के ऊपर किसी के साथ बात नहीं करनी, मोदी के बिजनेस की बात नहीं करनी फोन के ऊपर। फोन है सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ना कि प्रेजेंटेशन देने के लिए। गलती पता क्या करते हैं लोग, एक अपलाइन होता है, वो कहता सर, अपनी अपलाइन को बोलता है, सर बंदा बड़ा जबरदस्त आया, देखना फटे चक देंगे, अब चंडीगढ़ छाप देंगे पूरा। तो वो एक्साइटेड है, बंदा बहुत एक्साइटेड है। अब वो बंदा, वही एक्साइटेड बंदा एक हफ्ते बाद फोन नहीं उठा रहा अपलाइन का, और वो अपलाइन अब अपने अपलाइन को बोल रहा है, कहता सर बंदा तो बड़ा एक्साइटेड था, पता नहीं हुआ क्या, चक्कर क्या पड़ा, एक्साइटेड तो बहुत था, मीटिंग में भी आया था, ऐसे ऐसे करके बाजू मार रहा था कि यस आई एम GPT मैं करूंगा, हुआ क्या। लोग क्या गलती करते हैं, लोग हो जाते हैं अनप्रोफेशनल बिजनेस। फोन उठाएंगे अपने मासी के बेटे को, करेंगे हाँ मैं मेंबर बन गया हूँ, तेरे को मेंबर बनाना है, आधार कार्ड भेज दे। भाई साहब ये कोई कबड्डी का मैच नहीं चल रहा, यहाँ कोई मेला नहीं लगा हुआ, ये एक बिजनेस है, प्रोफेशनल बिजनेस, और हमें ये बिजनेस सीखना पड़ेगा। आप चाहे अपने प्रोफेशन में कुछ भी हो, तोप सिंह हो, फन्ने खान हो, वट एवर, आप कुछ भी हो, मैं कहता हूं, लेकिन इस बिजनेस में जीरो से सीखना पड़ेगा इस बिजनेस को, अगर सक्सेसफुल होना है। इवन कॉल कैसे करते हैं वो सीखना पड़ेगा, इवन कॉल के ऊपर बोलना क्या है वो सीखना पड़ेगा, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, प्रेजेंटेशन देनी कैसे है, कैसे बंदे को मोटिवेट करना है, और ये कौन सिखाएगा, आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। तो सीखना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, हम भी सीखते गए बढ़ते गए, सीखते गए बढ़ते गए। तो तभी मेरी शादी भी हो गई थी मोदीगर के आने में 6-7 महीने बाद। तो मेरी जब शादी हुई ना, तो मैंने अपना वो हमारे अपलाइन बोलते हैं ना, आप प्रिंट आउट करके लगाओ जी आपका ड्रीम पे आउट और ड्रीम कार और ड्रीम हाउस, और जो बाहर वाले लोग हैं ना नेटवर्किंग के बाहर वाले लोग, वो हमें पागल समझते हैं। हमारा कोई रिश्तेदार आ जाए ना, तो हमारे घर आके देखता है कि अच्छा इसने ये लिखा हुआ है कि ये मर्सिडीज लेगा, इतनी तारीख को ये मर्सिडीज लेगा, तो उनको लगता है कि ये पागल है, मतलब इनके ना कसर है कोई दिमाग में, ऐसे थोड़ी होता है। तो मेरी वाइफ, उसने भी कभी नेटवर्किंग की नहीं थी, तो मैंने लिखा हुआ था पोस्टर लगा के कि इस तारीख को 1 लाख रुपए का चेक आएगा, ऐसे ही मैंने सारा वो सेम जैसे प्रिंट आउट नहीं होता ICICI बैंक, मैंने तो नीचे समीर मोदी जी के साइन भी कर रखे थे, जी समीर मोदी जी के साइन हुए पड़े हैं नीचे, और 1 लाख का चेक है, वो डेट डाली हुई। तो मेरी वाइफ ना एक दिन मेरे से लड़ पड़ी, तो भाई साहब लड़ाई तो सबके घर में होती है, तो सारे लड़ते हैं मुझे पता है,
तो मेरे से ना लड़ाई हो गई, एक बार हम लड़ पड़े, तो इसका गुस्सा ना उस पे निकल गया, उस जो पेंट लगा हुआ था ना, चिपका हुआ था दीवार के, तो मैं जब घर आया तो मैंने देखा वो है ही नहीं वहां पे, फटा हुआ है वहां से। तो मैंने डस्टबिन देखा तो वो डस्टबिन में डाला हुआ इसने फाड़ के। तो मैंने चेक किया तो उसके काफी टुकड़े हो चुके थे, तो वो डेड नो मोर था। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं करता रहा। तो आपको मैं पावर बताऊं, लिखने की पावर क्या होती है, एग्जैक्टली जो डेट मैंने डाली थी ना, मेरा 1,00,000 रुपए का चेक सेम उसी मंथ आया था। और जब 1,00,000 रुपए का चेक आया था ना, तो मेरी वाइफ ने क्या किया, जब वो पे आउट शो होता है ना ऐप में कि 1,00,000 से क्रॉस हो गया आपका, तो उसी दिन मेरी वाइफ बुक स्टोर पे गई, उसने एक चार्ट लिया बड़ा खूबसूरत सा और डेट डाली, 2,00,000 रुपए का चेक बनाया और उसके ऊपर स्टार्स भी लगाए, स्टार्स मतलब उसको डेकोरेट किया बहुत खूबसूरत तरीके से, और वहीं लगाया उसने, और एग्जैक्टली 2,00,000 भी उसी महीने आया था जिस डेट को लगाया हुआ था। तो मान लो, देखो मेरे को इस बिजनेस से पहले ये नहीं पता था कि दीवारों पे लिखने से पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आपकी अपलाइन कह रही है ना दीवारों पे कारों की फोटो लगाओ, अपना ड्रीम डेस्टिनेशन लगाओ, या ये लगाओ वो लगाओ, यार लगा के देख लो, क्या पता आ जाए, मेरा तो आ गया था, ठीक है आप एक बार लगा के देख लो। अच्छा मान लो अगर आपने दीवार पे 1,00,000 का चेक लिख भी दिया तो आपका नहीं आएगा, तो मेरे को बताओ नुकसान क्या होगा, कितना नुकसान हो जाएगा आपका कि भाई साहब हमने तो लिखा था लेकिन आया नहीं, बताओ क्या जाएगा आपका। लिख के देख लो ना एक बार ट्राई करके देखो, आज बैठना शाम अपनी अपलाइन के साथ, या वैसे ही आपको पता है आज डेट डालना, वो पूरी पर्टिकुलर एक डेट डालना कि 1,00,000 रुपए का चेक कब चाहिए, या 2,00,000 का, या 5,00,000 का, जिसका जो भी टारगेट है, किसी का 10,00,000 का टारगेट है, एक तारीख डालना, वो तारीख डालना और ब्यूटीफुल से डेकोरेट करके ब्लैक और लिख के कलर से, तो लगाना उसको जरा थोड़ा सा, थोड़ी फीलिंग डालना उसमें, थोड़ी सी फीलिंग, उसको बार बार देखना और देख के ये महसूस करना कि इतनी तारीख को मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं, देखना कैसे एनर्जी मिलती है आपको, कैसे मोटिवेशन मिलती है। मेरे को बंदे पूछते हैं, कहते भाई साहब इतने एक्साइटेड कैसे रहते हो, एक्साइटेड यार मेरी फैमिली के मैंने सपने पूरे करने, तो एक्साइटमेंट मैं किसी से उधार थोड़ी लूंगा, मेरे अंदर से एक्साइटमेंट निकलती है। मैं जब पैसे नहीं आते थे मैं तब भी इतना एक्साइटेड था, मैं अगर स्टेज पे तब भी बोलता था मैं ऐसे ही बोलता था, पूरा जोश के साथ बोलता था। क्यों? क्योंकि जिस दिन भाई साहब आप आ गए हो ना मोदीगर में, आपकी किस्मत की चाबी खुल चुकी है, वो ताला खुल गया, बस वो सफर है, बस वो तय करना है आपने, किसी को साल लगना, किसी को 2, किसी को 3 साल लगने हैं। और मेरे को एक बंदा बताओ यार जिसको 5 साल हो गया मोदीगर में लेकिन कहीं नहीं पहुंचा, जहां तो वो एक अच्छे लेवल पे है, आरबीडी जीबीडी है, अच्छी इनकम ले रहा है, जहां फिर वो छोड़ चुका है। अभी तीसरी बात कोई नहीं हो सकती, तो इसका इसमें मैसेज क्या है कि लगे रहोगे तो कामयाब होंगे ही होंगे। आप लगे रहो इस बिजनेस में। लोग पता क्या करते हैं, 10 लोगों को कॉल करते हैं, 10 लोग मना कर देते हैं आगे से, लोग अपना हौसला ही छोड़ देते हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई पूरी, रहने दो यार, छोड़ो परे, हमसे नहीं चलना, हमसे नहीं होगा। मैंने ये डिसाइड किया था कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा नहीं लगना, लेकिन इसमें टाइम ही लगना है। मेरे को इतना पता है कि इसमें पैसा तो लगना नहीं कि 40-50 लाख रुपया लगाना पड़ना, इसमें लगना टाइम। तो मैं 1 साल पूरा दूंगा अपना इस बिजनेस को, 1 साल के बाद देखेंगे कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, फिर देखेंगे आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। तो भाई साहब 1 साल मिनिमम इसको, जो जितने भी आज नए लोग हैं या आपकी टीमों में नए लोग हैं, 1 साल की कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। अभी अपलाइन बैठता है जाके, डाउनलाइन के साथ बोलता है जाके, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुमने कुछ नहीं करना, तू बस लिस्ट बना, मैं आऊंगा तेरी मीटिंगें करने के लिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसी कमिटमेंट होती है। तो हम भी ठीक है ऐसे बोलते हैं लोगों को कि हम ये करेंगे, हम आपकी मीटिंग करेंगे, हम आपके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, आपकी लिस्ट पे काम करेंगे, लेकिन हम कमिटमेंट भी लेते हैं अगले बंदे से। ये नहीं हमने अपनी खुद की कमिटमेंट दे दी जी, आप मेरे को 2 बजे भी रात को फोन करोगे तो मैं आऊंगा जी, मैं इतना कमिटेड हूँ, मैं इतना एक्साइटेड लीडर हूँ, आप तो लकी हो आपने मेरे साथ ज्वाइन किया। हम भी भाई साहब ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम अगले बंदे की कमिटमेंट भी लेती है कि भाई साहब मेरे को बता, मैंने तो ये कमिटमेंट दे दी कि मैं 2 बजे भी फोन करेगा तो मैं आऊंगा, अपनी कमिटमेंट बताइयो।
कि साल टिका रहेगा मोदी केयर में, ये ना हो कि तू 2 महीने बाद भाग जाए और मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। तो इस बिजनेस में ना मैं आपको एक बात बता दूं, आप कितना काम करते हो ये मैटर नहीं करता, ये सबसे तगड़ी चीज इस बिजनेस में है कि आप किन लोगों के साथ काम करते हो। कई बार ना लोग आते हैं, बड़े एक्साइटेड लोग आते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं और चले जाते हैं। इस बिजनेस में उन लोगों से बचना है जो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं आपका। जो लोग काम करते हैं, आपकी बात मानते हैं ना, उनको टाइम देना है। बाकियों को ये नहीं कहना कि आप लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते या आप छोड़ दो, ये है वो है। उनको एक ही बात बोलनी है, जो आपकी बात नहीं मानता ना उसको एक ही बात बोलनी है, उसको बोलना वेरी गुड, शाबाश, फटे चकते, गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट, शाबाश, फटे चकते, यही कहना है उसको। पर अपना टाइम उसी बंदे को देना है जो बंदा डिजर्व करता है, राइट। तो सही लोगों के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 1 लाख रुपया कमाना इस बिजनेस में इतना इजी है कि बच्चों का खेल हुआ पड़ा है 1 लाख रुपया कमाना इस बिजनेस में। देखो जब इनिशियली आते हैं तब इतना विश्वास नहीं बनता, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आप लोगों के साथ कि देखो हम 5 साल से लगे हुए हैं, इस लेवल पे पहुंच गए। अभी मेरा पिछला पे आउट था 4,67,000, अब मेरे को ये नहीं पता 67,000 मेरे ख्याल 66 को कहते हैं, 67,000। अच्छा मेरे को ये पता है, मेरे को बोलना चाहिए ना ये 4,67,000 कैसे बोलते हैं, लेकिन मेरे को 4,67,000 महीने का कमाना आता है। तो इस बिजनेस में ना ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़े हो, आप कितने हाई फाई डिग्री होल्डर हो, आप कितनी आपने मास्टर्स की हुई है, ये चीजें मैटर नहीं करता। आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप गरीब हो अमीर हो, आपका रंग काला है कि गोरा है, ये चीजें मैटर नहीं करती। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल है। इस बिजनेस में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत गरीब थे आज लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। इस बिजनेस में ऐसे लोग भी हैं जो पहले ही बहुत अमीर थे तो आज बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशन है, मैं साबित कर सकता हूं। मेरे को एक बात बताओ, आज बड़े से बड़ा डॉक्टर जो मोदी केयर में काम कर रहा है ना, वो चाहता है मेरे को जीबीडी बनना है। बड़े से बड़ा इंटेलिजेंट इंजीनियर है, वो चाह रहा है, मीटिंगों में आके कह रहा है यस आई एम जीबीडी, मेरे को जीबीडी बनना है। बड़े से बड़ा एडवोकेट मोदी केयर कर रहा है, वो कह रहा है मेरे को जीबीडी बनना है। मतलब हर प्रोफेशन का बंदा ये कह रहा है कि मैंने जीबीडी बनना है। मेरे को एक बात बताओ, कभी आपने किसी जीबीडी से ये सुना कि मैंने डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या एडवोकेट बनना? तो ये दुनिया का सबसे तगड़ा प्रोफेशन है भाई साहब, समझ आ रही है ना, तो कर लो 2-3 साल। अगर नहीं समझ आ रही ना, फिर भी कर लो 2-3 साल, आपको ऐसे लगेगा कि वाकई। मैं जब नया नया मोदी के शुरू किया था ना, तो मेरे को लोगों ने स्टेजों पे ऐसे बोलना कि हमने तो कोई मोती दान किए थे, हमने पुण्य किए थे जो मोदी के हमें मिल गया, तो मेरे को ना ये बड़ा फिल्मी सा लगना। मैंने बोला यार मतलब की बात करो, ये क्यों बरमा क्यों रहे हो लोगों को ऐसे कह कह कि मैंने कोई मोती दान किए थे, मैंने ये किया था, मेरे को मोदी केयर मिल गया। तो सीरियसली आज मैं फील करता हूँ, मैं वो हनुमान नहीं कि मैं आपको अपना सीना फाड़ के दिखा दूं कि मोदी केयर क्या है। मैं वाकई आज सीरियसली ये ब्लेस्ड फील करता हूँ कि वाकई हमने कोई बहुत तगड़े मोती दान किए थे, कोई पुण्य किए थे पिछले कर्मों के, जो मोदी केयर हमारी लाइफ में आया और आज हम इतने सिक्योर हैं, फाइनेंशियली इतने कंफर्टेबल हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, कोविड नाम का शब्द नहीं पता था लोगों को, ये बात मैं कर रहा हूँ फरवरी 2020, मार्च में आया था ना कोविड इंडिया में, तो कोविड नाम का शब्द नहीं पता था लोगों को कि ये है क्या चीज। तो फरवरी 2020 का मेरा पे आउट था 2,16,000 रुपए का। उसके बाद कोरोना आया, लोगों के धंधे नीचे को गए, बिजनेस डूब गए लोगों के, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो अपने आप को फन्ने खान कहते थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि बस बहुत हो गया अब। बड़ी बड़ी वो कहता था मैं ये इंजीनियर, मैं वो इंजीनियर, मेरा ये प्रोफेशन, मैं इतना मैनेजर एरिया, सेल्स मैनेजर, इतना मेरा एरिया है। बड़े बड़े अच्छी जॉबों वाले लोगों ने इनसिक्योरिटी फील किया लाइफ में पहली बार। इवन कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब वालों ने भी इनसिक्योरिटी फील किया लाइफ में पहली बार। और फरवरी 2020 2,16,000 के पे आउट में था मैं, और मेरा पिछला पे आउट गया है 4,67,000। आप आपे ही कैलकुलेट करके देख लेना कि
डबल से भी ज्यादा इनकम हो गई है उस टाइम में, 1.5 साल के अंदर अंदर, जब लोगों के बिजनेस नीचे को जा रहे थे, लोगों के बिजनेस बंद हो रहे थे, जब इंडिया में पता नहीं कितनी लाख नौकरियां जा चुकी हैं, लोग घर बैठे हुए हैं, कईयों को तो 50% सैलरी मिल रही है टारगेट बेसिस पे, उस टाइम पे हमारा बिजनेस डबल हो चुका है। आज हमें ये सोचना पड़ेगा भाई साहब कि हम किस प्रोफेशन में हैं, क्या हम जो कर रहे हैं क्या वो रिसेशन प्रूफ है, क्या अगर कल को फिर लॉकडाउन लगता है तो क्या हम सिक्योर हैं। इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा आपको, सिर्फ एक बार 2 से 5 साल लगा दो, पैसा आएगा बार 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 और बढ़ के आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक नेटवर्क में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो नेटवर्क की फितरत है ये मल्टीप्लाई होता है, तो जैसे जैसे नेटवर्क बनेगा, बढ़ेगा नेटवर्क, आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा। तो जैसे जैसे क्या है, आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, आप सिक्योर फील करोगे। मेरे को लोग पूछते हैं, मैं बताता हूं उनको, मैं कहा ये ऐसा बिजनेस है आप 4-5 साल लगा लो, उसके बाद आप काम नहीं भी करोगे पैसा फिर भी आएगा। तो आगे से लोग बता पूछते हैं, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि काम ना भी करें पैसा फिर भी आए, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे इस बिजनेस में होता है भाई साहब। अगर कोविड का टाइम 1.5 साल लगा लो तो हमने क्या किया, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो हम भी बाहर नहीं जा सकते थे, हमें भी उतना ही डर था कोविड का, लेकिन हमारा चेक बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। क्यों? लोगों ने नहाना नहीं छोड़ना भाई साहब, लोगों ने टूथपेस्ट करनी नहीं छोड़नी, लोगों ने चाय पीनी नहीं छोड़नी, लोगों ने खाना बनाना है, कुकिंग ऑयल यूज होना है, लोगों ने बर्तन साफ करने हैं, लोगों ने कपड़े धोने हैं। समझ लीजिए इस बिजनेस को, आज समझ लीजिए इस बिजनेस को कि हम उस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जो डेली यूजेबल प्रोडक्ट है, रोज खत्म होगा, फिर खरीदना पड़ेगा, फिर इस्तेमाल करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर खरीदना पड़ेगा, हम उस प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो दूसरा क्या है, जब जॉब्स नीचे को जाती हैं, बिजनेस नीचे को जाते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के, तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं लोग। अभी बड़े सारे लोग थे, मैंने उनको प्लान दिखाई थी, ऐसे बैठते थे हमारे सामने टांग के ऊपर टांग रख के, कहते थे ये यार बिजनेस ना मेरे लेवल का नहीं है, मैं सामान नहीं बेच सकता, तू कर तेरे लिए बहुत बढ़िया। लॉकडाउन में खुद फोन आए उनको कि मेरे को भी बता बिजनेस क्या है, मेरी तो जॉब चली गई। तो वो कहते हैं ना, कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, जब प्यास लग गई फिर तो कुआं खोदा ही नहीं जाना, फिर तो प्यासा मरेगा ही मरेगा बंदा। अच्छा मेरे को बात बताओ, स्टिपनी क्यों दी गई है कार में? अच्छा हो सकता है आपको लाइफ में कभी जरूरत ना पड़े स्टिपनी, कभी जरूरत ना पड़े, आपका बहुत बढ़िया चले, पर सोच के देखो 2 बजे है रात के, फैमिली साथ है, तो आपके गाड़ी का टायर पंचर हो गया और स्टिपनी नहीं है आपके पास, फिर तो एज ए स्टिपनी कर लो इसको, एज ए एक्स्ट्रा इनकम। कौन नहीं चाहता आज के टाइम में मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम हो? तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, कॉलर गंदी करवानी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के बाद जो रिजल्ट मिलेगा ना, मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक था, वो TVS स्पोर्ट बाइक 19,000 का लिया था मैंने ओलेक्स से, तो मेरे को शर्म शुर्म नहीं आती ये बातें बोलते हुए कि लोग सोचेंगे इंडिया लेवल पे लोग देख रहे हैं कि यार ये 19,000 का बाइक था इसके पास, भाई साहब औकात ही ये थी ये औकात। लेकिन आज मोदीगर ने हमारी औकात बदली है, आज 24 लाख की कैरियर लगी है नीचे, तो कभी लाइफ में सोचा नहीं था, अभी 1.25 साल में वो कार लेंगे जिसके जिसकी जो रेट है उसके पीछे 7 जीरोएं लगती हैं 1 करोड़ रुपए की कार। फिर चंडीगढ़ शिफ्ट हुए, जैसे निधि ने बताया 5-6 फॉरेन ट्रिप्स हमने कंपनी के साथ ट्रैवल किए, खैर कोविड ना आता तो शायद हमारा पासपोर्ट ही भर जाता पूरा, तो कोई बात नहीं, वो सब बढ़िया होगा, फिर से जाएंगे, सारे ईगरली वेट कर रहे हैं। इनसाइड इंडिया तो पता ही नहीं कितने, और जो इस बिजनेस में भाई साहब लव और रिस्पेक्ट मिलता है ना, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई काम भी कर लो, कोई बंदा आपकी कहानी नहीं सुनता, बंदे की कहानी तो यार उसकी वाइफ नहीं सुनती कभी, वो भी 2 बातें ज्यादा कर दो तो वो कहती है भाई साहब चुप करो यार मेरे को और भी काम है। तो यहाँ पूरा इंडिया क्या, एक टाइम पे पूरी दुनिया आपकी कहानी सुनेगी कि कोई बंदा किसी गांव से उठा है और आज सक्सेसफुल बन के आपके सामने है। तो रीजन मैं कहता हूँ, चैलेंजेस आपके पास 1,000 हो सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से होना नहीं, मेरे से मेंबर नहीं बनने,
मेरे से प्रोडक्ट नहीं बिकना, मेरी जानकारी नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। मैं कहता हूँ आपके पास 1000 रीजंस हो सकते हैं कि आपने मोदी केयर नहीं करना, पर आप एक रीजन ऐसा ढूंढ लो कि मैंने मोदी केयर करना क्यों है, क्यों करना है, मैंने क्यों किया था। मैं निकलना चाहता था इससे बाहर, जो ये पैसे की री री नहीं होती, पैसे की घर में सुबह से लेके शाम तक री 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 है नहीं है नहीं है नहीं, मैं इससे बाहर निकलना चाहता था। मेरे को ऐसे लगता था कि यार बंदे के पास इतनी इनकम होनी चाहिए मंथली कि कोई भी चीज वो खरीद सके, उसको टैग ना देखना पड़े। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये आ गई है हमारे पास मोदी केयर में 5 साल, ये तो 2 साल पहले ही आ गई थी जब हमने 2.5 लाख रुपया क्रॉस कर लिया था। इंडिया में रह के मेरी जैसी एज में अगर 2.5 लाख रुपया आपको परमानेंटली हर महीने आ रहा है ना, महाराजा हो आप अपने घर में, बहुत बढ़िया। देन उसके बाद आपको ये मेरी वाई थी एक्चुअली कि मैं क्यों करना चाहता था, पैसा चाहिए। तो कई लोग ना मिलते हैं हमें, वो बोलते हैं जी पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ता उन लोगों पे। वो झूठ बोलते हैं, एक्चुअली सच नहीं बोलते, वो झूठ बोलते, कहते पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्यों नहीं पैसा सब कुछ होता? कल सुबह मैं 10 बजे घर से निकला था, 4 किलोमीटर आगे चला गया मैं, तो फिर मैंने वहां से गाड़ी वापस मोड़ी, घर आ गया मैं, तो मेरे वाइफ ने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला पर्स घर रह गया। भाई साहब 4 किलोमीटर नहीं जा सकते आप विदाउट पर्स के? तो फिर बोलते हैं लोग पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ होता है आज के टाइम में, पैसे के बिना 5 किलोमीटर ट्रेवल नहीं कर सकते आप, तो बड़ा कुछ मिल सकता है, फॉरेन ट्रिप्स, बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, आपका वो जो ड्रीम सिटी है जिसमें आप रहना चाहते हो। देखो अगर मैं फाइनेंस का काम करता होता या जॉब करता होता तो मेरे को वहीं रहना पड़ना था अपने गांव, लेकिन ये मेरा ड्रीम सिटी था चंडीगढ़। शायद आप लोग बड़े आए होंगे, जो बंदा एक बार चंडीगढ़ रह लेना वो कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं कहीं और रहूंगा जाके। तो ये मेरा ड्रीम था चंडीगढ़ रहना, पॉसिबल हुआ इस बिजनेस में। और मेरी टीम में 10-11 लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख रुपए से कमाते, ज्यादा कमाते हैं, 50,000 वालों का तो पता नहीं कितना है। तो मेरा जो अगला टारगेट है ना वो ये है कि अब अपना हो गया, जो करना था कर लिया, अब मेरा इंडिविजुअल टारगेट नहीं है इस बिजनेस में कोई, मेरा जीबीडी भी हो गया, सब कुछ हो गया, मेरे को जितने पैसे आ रहे हैं मेरे लिए इनफ है, मैं इतना वो हूं भी नहीं लालची। मेरा एक ही टारगेट है इस बिजनेस में, अपनी टीम में 100 से ज्यादा लोग ऐसे पैदा करने हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो, और ये करने हैं 2025 से पहले पहले। तो मेरा बिलीव ये कहता है कि अगर मेरी टीम में 12-13 बंदे ऑलरेडी हैं जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, तो अगर ये 100 ना होने होते तो ये 12-13 भी ना आते कहीं से। तो अगर 12-13 आ गया तो इसका मतलब जो रह गए 87 वो भी आएंगे। तो ये मेरा बस टारगेट है। तो मेरे को आप ये बताओ कि अगर मेरी टीम में 100 बंदा हो गया 1 लाख रुपया कमाने वाला, तो मेरा रोटी पानी तो चल जाएगा ना। तो ये बिजनेस का नेचर समझो आप, ये इसका क्या है, ये विन विन सिचुएशन है कि आप लोगों को जिताओगे तो खुद जीतोगे, आप लोगों को पैसा कमाना सिखाओगे तो फिर पैसा आएगा। तो मार्केट में ऐसा नहीं होता, मार्केट में कंपटीशन होता है, एक दूसरे की टांगे काटनी पड़ती है अच्छे से। हमने किया ट्रेडिशनल बिजनेस, कभी पूछना होगा तो हमसे बताना, हम बताएंगे कैसे टांगे काटते हैं एक दूसरे की जो कंपटीशन में होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें टांगे नहीं काटनी पड़ती, इसमें विन विन सिचुएशन है। जितने लोगों को सक्सेसफुल करोगे उतने ज्यादा सक्सेसफुल आप होंगे। तो दी बेस्ट टाइम है, दी बेस्ट कंपनी है, दी बेस्ट प्रोडक्ट्स है, और दी बेस्ट कंट्री है जिसमें बहुत स्कोप है नेटवर्किंग का, और दी बेस्ट है आपकी अपलाइन। और लास्ट में आपको ये बोलूंगा, दी बेस्ट अपने नाम के साथ भी लगाना। लोग पता है क्या करते हैं, लोग कहते हैं जी मोदी केयर भी बढ़िया, अपलाइन भी बढ़िया, प्रोडक्ट भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। साला अपने आप पे विश्वास नहीं आता लोगों को, उनको लगता नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, ये तो जो जो कर गए ये कोई एक्स्ट्रा लोग थे ये कर गए। भाई साहब जिस दिन अपने आप पे आपने विश्वास कर लिया ना कि मैं ही वो बंदा हूँ जो मोदी केयर से 2 लाख भी कमाऊंगा, 5 लाख भी कमाऊंगा, 10 लाख भी कमाऊंगा और 1 करोड़ रुपया भी कमाऊंगा, समझो उस दिन काम हो गया। बस ये है कि लोग सोच नहीं पाते, विश्वास नहीं कर पाते, उनको लगता है कि नहीं यार मेरे से नहीं होना। ये विचारापन जो है आता है ना कभी कभी माइंड में कि ये तो मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगा तो लोग बोलेंगे यार ये तो विचारा है, इसको थोड़ा सा साइड पे करिए। बी ए लीडर, बी ए बोल्ड लीडर, यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लाइफ, यू आर
द बॉस, आप इंसान हो, इंसान बड़ा कुछ कर सकता है, और अगर इतने लोग कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं, तो आप सभी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच निशांत जी का भी मैं करना चाहूंगा। और आप एक यूथ आइकॉन हो, आपको हम देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सुरेखा मैम, जिन्होंने मुझे इतनी जल्दी टाइम दिया दोबारा बोलने के लिए। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। आई थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। वाओ वाओ सर, ग्रेट। जितनी भी तालियां बजाओ शायद कम होगी सर आपके लिए। आप और मैडम की जो सक्सेस स्टोरी, जो चैलेंजेस, और आपका वो ड्रीम लेवल, उस ड्रीम लेवल को पाना, उसके लिए कमिटमेंट करना, अपने 5 साल इस बिजनेस को बोलते ना कि एकदम कमिटमेंट के साथ वो सुबह निकलना और शाम को आना घर, छत गंदे होना, और लोगों की जो होती है ना फ्रस्ट्रेशन, उसको सुन के अपने अंदर रख के और खुद से कमिटमेंट करना, खुद को बेस्ट बनाना, तो रियली ये हैट्स ऑफ कर रहे सर। और आपका जो बिजनेस करने का स्टार्टअप, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी को भी अगर बिजनेस स्टार्ट करवाना है तो उसको FSP के साथ स्टार्ट कराना, रियली 10-15 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं होती है किसी के लिए भी, और कोई भी किराने का सामान खरीद के डूब नहीं जाएगा। तो ये रियली बहुत अच्छा बोलते ना, बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे बिजनेस को स्टार्ट कराने का और सामने वाले को और ज्यादा प्रेरित करने का और उसको भी इस बिजनेस के प्रति लगाव और प्यार कराने का। ये बहुत अच्छा लगा। और एक चीज बहुत अच्छी लगी कि कहते हैं ना कि आप जो गरीब है वो गरीब जनरेशन नहीं बने, आपकी आने वाली जनरेशन भी अमीर बनती है अगर वो मोदी केयर करती है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी, ये लाइन बहुत दिल को छूती है सर, कि हम आने वाले जनरेशन को भी एक राइट डिसीजन, राइट प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और सही में मतलब एक होल, अगर मैं कहती हूँ कि 12 मंथ्स, अगर किसी को भी कोई भी नया ज्वाइनिंग आता है और उसको हम 1 साल की कमिटमेंट के साथ लेते हैं, हम तो कमिटमेंट कर लेते हैं एज अ लीडर, बट हम अपने आने वालों के साथ भी कमिटमेंट लेते हैं ना, तो सच में जब दोनों के कमिटमेंट मिलते हैं तो सर वो सक्सेस स्टोरी निकल के आती है। तो ये कमिटमेंट लेना और देना, ये रियली बहुत अच्छा है कि खुद सीखो और सिखाओ, जो कि हमारी मैडम भी कहती है, गुरुमा भी कहती है कि सीखो और सिखाना इस बिजनेस की बड़ी, सबसे बड़ी सक्सेस है। तो रियली बहुत अच्छा लगा सर, ये जितना भी आज का जो सेशन था ना सर, रियली आगे का जो सेशन था वो बहुत पावरफुल था, और आज का सेशन तो सर रियली सुपर था, पावरफुल। मतलब मैं तो इतनी मोटिवेट हो गई हूँ कि बस आपको सबसे कमिटमेंट ले लेनी है, खाली खुद को कमिटमेंट नहीं देनी है, उनसे भी कमिटमेंट लेनी है, अपने सपने को पूरे कर रही हूँ और उनके भी सपने पूरे कराने हैं। और जी बेस्ट है हमारी कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ट है, हमारे जितने भी अपलाइन है वो बेस्ट है सर, तो डेफिनेटली हम भी बेस्ट है। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी सर और मैम को, रियली आपकी स्टोरी से हम बहुत इंस्पायर हुए, बहुत मोटिवेट हुए। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे ना सब प्रिंस हो गए आज आपकी ये सारी बातें सुन के, और बहुत इंस्पिरेशन भी आ गया है। तो थैंक यू सो मच, और धन्यवाद बोलना चाहूंगी परमपिता परमेश्वर को कि उन्होंने हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया, समीर मोदी सर का, कंपनी का, कंपनी के मैनेजमेंट का, सुरेखा मैडम का, जिन्होंने हमको इतना सुंदर लिप प्लेटफॉर्म दिया, निशांत सर का। और थैंक्स बोलना चाहूंगी अपने सारे अप्लायंस का, खास करके मेरे जो खुद के इंस्पायर हैं, सविता मैम का, सीमा जी का, और मेरी प्यारी सी टीम का। तो रियली फ्रेंड बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही कुछ आज हमने सीखा, अपने राइट टाइम, राइट डिसीजन के साथ हमको, और राइट माइंडसेट के साथ काम करना है जब करना है अगर मोदी केयर, तो रियली सुपर था। और फ्रेंड कल हमारा जैसे कि रक्षाबंधन है, तो कल हमारा हॉलीडे है, तो रक्षाबंधन त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए, भाई बहन का त्यौहार है। हमारे मोदी केयर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैम्पर्स बन रहे हैं, सब अपनी बहनों और भाइयों को गिफ्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो हमारा वेनसडे को है, तो एंजॉय योर डे, सेलिब्रेट कीजिए और खुश रहिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग के साथ। फिर हम आपको वेनसडे को लिप प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।